हेलो दोस्तों, मेरा नाम अतुल गुप्ता है और आज सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुप्ता जी लाइफ एक्स में। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं एक अमेजिंग प्रोजेक्ट। तो दोस्तों, इसको बनाने के लिए हम इस प्लास्टिक के कार्डबोर्ड का यूज करेंगे और दोस्तों मैंने इसके ऊपर इस तरीके से कुछ निशान बना रखे हैं, तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो मैं बता देता हूँ कि दोस्तों इसे मैं बॉक्स बना दूंगा सिंपल तरीके से एकदम। पहले ही आप लोग इस तरीके से खींच लीजिए और इसको किनारे किनारे से काट के निकाल दीजिए। और दोस्तों, किसी भी प्लास्टिक के चीज़ से आप लोग इस तरीके से बॉक्स बना सकते हो एकदम इजी तरीके से। ये बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का। तो चलिए, इसको हम पहले काट के सब हटा लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने सब काट के हटा लिया है और ये देखिए दोस्तों, ये मैंने काट लिया है और अब मैं इसको साफ़ कर लूँगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने साफ़ कर लिया है और अब दोस्तों, अब हम लोग एक स्केल लेंगे और इसको दोस्तों हम लोग जहाँ जहाँ निशान लगाए थे वहाँ वहाँ इस तरीके से मोड़ देंगे। इस तरीके से चारों तरफ से मोड़ लेंगे जहाँ जहाँ मैंने इसके से निशान लगाया था। तो दोस्तों, ये मोड़ना मोड़ाना तो चलता रहेगा। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने चारों तरफ से मोड़ लिया है और इस तरीके से हम इसको चिपका देंगे। आप चिपकाने के लिए फेविक्विक का भी यूज कर सकते हो और ग्लू गन का भी यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ ग्लू गन का यूज कर रहा हूँ। इस तरीके से इसको चिपका देंगे चारों तरफ से, तो ये बॉक्स बन जाएगा हमारा। तो ये देखिए दोस्तों, ये इसे मैंने चिपका लिया चारों तरफ से, लेकिन मैंने ऊपर से नहीं चिपकाया है क्योंकि मैं अभी ऊपर इस पर LED लगाने वाला हूँ, इसलिए मैंने ऊपर से नहीं चिपकाया, इसको छोड़ दिया है। और ऊपर से भी बाद में हम लोग चिपका सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये 3 mm का RGB LED है। ये देखिए दोस्तों, ये 5 रुपये का एक मिलता है मार्केट में। तो मैं इसको आपको चेक करके दिखा देता हूँ ये किस तरीके से जलता है। तो ये इसमें दोस्तों 7 रंग जलते हैं। ये देखिए दोस्तों, सफ़ेद, नीला, हरा, पीला, जितने रंग होते हैं दोस्तों सब जलते हैं इसके में। ये देखिए, और ये दोस्तों देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों, मैं इस 5 LED लूँगा और इस 5 LED को लगा दूँगा इस बॉक्स के ऊपर। इस तरीके से खोज देंगे बॉक्स के ऊपर और दोस्तों LED को प्लस वाला एक साइड और माइनस वाले एक साइड करके लगा देंगे। और दोस्तों, ये जो LED है उसके अंदर एक चिप लगा होता है जिससे दोस्तों ये अपना टाइमिंग चेंज करता रहता है। कभी ये धीरे धीरे भुक भुक करता है और कभी ये तेज तेज भुक भुक करने लगता है। तो ये दोस्तों देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए मैं इस LED का यूज कर रहा हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने 5 LED को लगा लिया है सीरीज में। ये देखिए, और अब दोस्तों, अब हम लोग इसको सोल्डिंग करेंगे। लेकिन दोस्तों, सोल्डिंग करने से पहले मैं इन LED का जो प्लस वाला टर्मिनल है, दोनों LED का प्लस वाला टर्मिनल एक साथ कर दूंगा और दोनों LED का माइनस वाला टर्मिनल एक साथ कर दूंगा इस तरीके से। और दूसरे तरफ से भी दोस्तों कर लेते हैं, इस वाले LED को भी उसी तरीके से कर लेंगे। और बीच वाले को हम लोग दोस्तों बाद में प्लस वाले में प्लस को और माइनस वाले में माइनस वाले को सोल्डिंग कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सोल्डिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने सोल्डिंग कर लिया है, दोनों LED को मैंने सोल्डिंग कर लिया है, चारों LED को सोल्डिंग कर लिया है। और बीच वाले को मैं अब दोस्तों, बीच वाला का जो प्लस वाला है उसको प्लस वाले में और माइनस वाले को माइनस वाले में सोल्डिंग कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने सोल्डिंग कर लिया है, प्लस वाले को प्लस में और माइनस वाले को माइनस में सोल्डिंग कर लिया है। तो अब दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा छेद कर लेंगे सोल्डिंग आयरन की मदद से। और दोस्तों, आप लोग जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हो रहे होगा कि मैं यहाँ छेद क्यों कर रहा हूँ, तो धैर्य रखिए, आपको अभी थोड़ी देर में पता चलेगा कि मैं यहाँ क्यों छेद कर रहा हूँ। तो ये मैंने छेद कर लिया है। तो अब दोस्तों, अब हम लोग इसमें एक कनेक्टर को लगा देंगे। मैंने इस कनेक्टर को लगाने के लिए ही वहाँ पे छेद किया था। तो दोस्तों, अभी आप लोग सोच रहे हो कि मैं इस कनेक्टर को क्यों लगा रहा हूँ, तो भाई यार, अपने दिमाग पर ज़्यादा बोझ मत डालिए, धीरे धीरे देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों लगा रहा हूँ इसको। तो ये देखिए, मैंने कनेक्टर को भी लगा लिया है और अब मैं दोस्तों इसको प्लस माइनस इस तरह से सोल्डिंग कर दूंगा। तो अब दोस्तों, इसका वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए, ये मैंने प्लस को प्लस में और माइनस को माइनस में सोल्डिंग कर दिया है। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत इजी इसका कनेक्शन है, ये छोटा बच्चा भी देख कर इसे समझ जाएगा। अब ये दोस्तों, ये रेडी हो चुका है। तो अब हम लोग इसको पैक कर देंगे, ग्लू गन की सहायता से इसको चिपका देंगे चारों तरफ दोस्तों, अच्छे से ग्लू लगा के इसे चिपका देंगे जिससे कि ये दोस्तों खुले नहीं। आप लोग इसके जगह पे फेविक्विक का भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने चिपका लिया है, ये मैंने इसको अच्छे से चिपका लिया है। और अब दोस्तों, अब हम इसमें टेप लगा देंगे जिससे कि ये और दिखने में थोड़ा और अच्छा लगेगा इस चमकीला वाले टेप से। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने टेप को लगा लिया है चारों तरफ से और ये देखने में बहुत ही अच्छा लगने लगा है।
तो अब दोस्तों अब हम लोग इसके ऊपर ये एलईडी बल्ब का जो कैप होता है ऊपर वाला उसको लगा देंगे इसके ऊपर इस तरीके से और इसको फेविक्विक के माध्यम से चिपका देंगे। तो ये देखिए दोस्तों ये फेविक्विक है और इसी से हम लोग चारों तरफ इसको अच्छे से चिपका देंगे जिससे कि हमारा जो एलईडी बल्ब का कैप है वो गिरे नहीं। और जब ये दोस्तों चिपक जाएगा तो इसके अंदर जो एलईडी जब हम जलाएंगे तो इसके अंदर दोस्तों चारों तरफ से इसका रोशनी अच्छा से फैलेगा, इसीलिए मैं इसको लगा रहा हूँ ये कैप को। तो ये देखिए दोस्तों ये हमारा फाइनल रेडी हो चुका है। इसको आप लोग डिस्को लाइट भी कह सकते हो, नाइट लैम्प भी कह सकते हो, मतलब यार बहुत कुछ है। एक शो के लिए भी दोस्तों रख सकते हो, अपने बैकग्राउंड में रख सकते हो, टीवी के पीछे रख सकते हो, बहुत ही अच्छा दोस्तों ये लाइट जलता है। तो ये देखिए दोस्तों ये कितना अच्छा जल रहा है। तो मतलब दोस्तों इसे कुछ भी कह सकते हो, एक डिस्को लाइट भी कह सकते हो दोस्तों। इसको अंधेरे में दोस्तों जलाने का एक अलग ही मज़ा आता है। ये देखिए दोस्तों ये बहुत ही अच्छे से सातों रंग इसके जल रहे हैं, ये देखिए अंधेरे में दोस्तों ये कितना अच्छा लगता है देखने में। तो ये वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और दोस्तों आप लोग मुझे Instagram पर भी फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को अब यहीं बंद करते हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों बाय।